Hey, good morning, namaskar, adab, sasrikal, kenchun, khamagani, my very good friends. This is Adhish Shekhar and welcome back to my passionate world. कैसे आप सब? I'm sure आप सब अपने लाइफ में अच्छे होंगे और अच्छे से जी रहे होंगे. सो आज है रक्षाबंधन के त्यौहार और आज मंडे है, सावन भी है, सावन का आखिरी सोमवार भी है और रक्षाबंधन है. सो आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है क्योंकि आज सावन का सोमवार भी है और आज सावन खत्म भी हो रहा है और साथ ही साथ रक्षाबंधन का त्यौहार आया है. सो ये सब बहुत कम होता है कि ऐसे दोनों त्यौहार एक साथ ही मतलब कोलाइड कर जाए, तो आज ऐसा है कुछ. सो एनीवेज आज लेकिन क्या है ना, कुछ राहु काल वगैरह है तो राखी का सेलिब्रेशन होगा 2 बजे के बाद. सो इसलिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं. अभी राखी देख रहे हो, हाथ में राखी नहीं है. सो वेट हो रहा है उसका. सो जब 2 बजे के बाद अगर राहु काल ख़त्म होता है उसके बाद ही राखी का त्यौहार होगा. सो आज खुशी भी घर से काम कर रही है और राशि भी आ जाएगी. सो राखी की आपको सेलिब्रेशन दिखाऊंगा कैसा बनता है हमारे यहाँ. सो और बहुत सारे और भी राखियाँ आई हैं, बहुत सारी बहनों की राखियाँ हैं आती है हर साल मुझे. जैसे आपको पिछले राखी भी मैंने बताया था, कई सारी और भी बहनें हैं जो मेरे मुझे राखी बांधती हैं, तो उनकी राखी भी आ चुकी है. सो दिखाऊँगा मैं आपको थोड़ी देर में. तो चलिए करते हैं इसी नोट पर दिन की शुरुआत और फिलहाल लगते हैं ऑफिस के काम में. रेडी फॉर द रक्षाबंधन त्यौहार. और हमने शाम को आज लगन था ना, सो अभी शाम के 4:30 बजे 5 बजने वाला इनफैक्ट. सो राखी बांधने की तैयारी शुरू हो रही है घर में. अभी कुर्ता वगैरह डाल लिया, देखो मस्त हो रहा. दिस वन इज माई फेवरेट कलर, ये कुर्ता मुझे बहुत पसंद है. राखी की थाली सज गई. देखिए करके राखी बांधना शुरू होगा. पहले डैडी का बनेगा फिर मेरा बनेगा. ये किसका राखी है? मेरा. ये बुआ का राखी. बस बस हो गया सी अक्षत के साथ. उसी उंगली से टच करो, चट जाएगा. हाँ, अब आरती लग पोष में सी क्लॉकवाइज घुमाओ. क्लॉकवाइज कैसे होता है? उसके बाद में स्टडीज में वीक होती है. 4 5 गुड. अब रखो बस. तुम 9 टाइम्स 5 टाइम्स बाद अब राखी उठाओ. ये हुआ आशी का राखी. भाई खिलाओ भाई. अब मिठाई खिलाओ. हाँ.
जूठा मत गिराना, खुद नहीं खाना है नाना जी, तोड़ के जा आधा तुम खाओगी रात काट लीजिए डैडी। तीन बहन के तरफ से एक मिठाई, आधा मिठाई। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू। अलरती गातो अलरती कुंज बिहन अलरती चॉकलेट मानिक चॉकलेट तो छिपा गया है। टीका लग ये लो।
अब जाके छुपा देना। ऊपर देखो क्या है वो? मेरा स्केच। क्या है? मेरा स्केच। तब यहाँ तुम्हारा स्केच लग गया, नाम वो फ्रेम कर लिया उसको। एक स्केच बनाई थी आशी, तो उसको हम फ्रेम कर दिया, पेंट करके लगा दिया। मिलते ही चॉकलेट खाना शुरू हो गया। हाथ घुमाओ, एक बार राइट एक बार लेफ्ट घुमा देना सर। आरती कुंज बिहारी जब बांध भी रहा तो पेपर पिक कर रखी थी। ये दे दो, ये डस्टबिन में डाल देंगे। दे दो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा बहुत अच्छी राखी सेलिब्रेट हुई इस बार, और काफ़ी राखी आती है मेरे बाहर से भी, बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो बाहर हैं तो उनकी राखी भी आती है, और हर साल मैं बांधता भी हूँ। और आशी के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होता है कि उसमें उसको बस राखी बांधने से मतलब है कि सर उसको चॉकलेट मिलेगा, तो पहले ही प्रॉमिस ले लेती है कि मुझे चॉकलेट मिलता रहे तो मैं राखी बांधूंगी। तो उसने उस प्रॉमिस पर मुझे राखी बांधी थी कि उसे चॉकलेट मिलेगा। तो और यार बच्चा है, बच्चे को उसको एक्चुअली राखी का वैल्यू समझाना की कोशिश करते हैं, उसको बच्चे को मतलब नहीं होता, बच्चे को सिर्फ चॉकलेट से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। सो एनी वेज काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन रहा, और हमने काफ़ी लेग पुडिंग की आशी की भी है, बहुत तंग किया उसको, तो एनी बहुत मज़ा आया। तो अच्छा फेस्टिवल रहा, और आई होप कि आप लोगों ने भी अपने फैमिली के साथ खूब इंजॉय किया होगा और राखी बांधी होगी। चलो आज का ब्लॉग यहीं तक रखूँगी, अगले ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए एज ऑलवेज सेड वर्क आउट फॉर योर पैशन, बिकॉज देन योर ड्रीम्स विल फॉलो यू। जय हिंद।